हेलो दोस्तों, मैं मोहित एमटेक एंड डॉक्यूमेंट्री में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में पेड एप्लीकेशंस को आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे पेड है, जिनका आपको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये में जिनको आपको परचेस करना पड़ता है, वो आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा कि कैसे फाइल को इंस्टॉल करना है। और सबसे पहले दोस्तों, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर पे कौन कौन सी एप्लीकेशंस पेड हैं। जैसे कि ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये इसमें फ्री एप्लीकेशंस एंड पेड एप्लीकेशंस दोनों हैं। जैसे आप एशियन स्क्रीट आइडेंटिफाई को देखते हैं तो ये 300 रुपये की है और रियल स्क्रीट 10 रुपये की है। तो ऐसे ही दोस्तों, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो 10 रुपये की हैं, कुछ 20 की हैं, कुछ 50 की हैं, कुछ 100 की हैं, तो कुछ 500 की हैं, तो कुछ 1000 रुपये की हैं। तो इसी एप्लीकेशंस को आप कैसे फ्री में इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में जाना है। वेब ब्राउजर में जाके आप गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च करने के लिए आप ये ऊपर मेन्यू बार पे जाएंगे, यहां पर आपको टाइप करना है प्ले मोब ORG, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहां आपको ओपन करना है इसकी वेबसाइट पर। यहां आप ओपन करेंगे, यहां पर आपको होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये होम पेज है और आप अपनी पसंदीदा एप्लीकेशंस को कैसे इंस्टॉल करेंगे या कैसे ढूंढेंगे, यहाँ आप सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जाके आप अपनी पसंदीदा एप्लीकेशंस का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्रेट, एसेंशियल क्रेट, जो जिसका गूगल पे प्ले स्टोर पे 300 रुपये अमाउंट था, वो आप कैसे फ्री में इंस्टॉल करेंगे वो आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पर सर्च मारा क्रेट, अब क्रेट एप्लीकेशंस यहाँ इंस्टॉल आप कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ क्रेट आ गया है, इस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसी पेज पे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको गेम के डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं, गेम के फीचर्स दे रखे हैं, और इसी के साथ साथ आप यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन देखेंगे और यहाँ रेटिंग है आप। तो आप डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़, ये पेज आपका शो होगा। ये आपका जो पेज, ये जो पहली तीन डाउनलोडिंग होंगी, ये तीन चार जो डाउनलोडिंग होंगी आपकी, ये आपकी APK फाइल के लिए होंगी, जिसको आपको पहले अपने फोन में जो है इंस्टॉल करना है। ये देखिए यहाँ पे वर्जन दे रखे हैं, लेटेस्ट वर्जन है या पुराना है, एंड्रॉयड कौन सा सपोर्ट करता है वो भी यहाँ दिखा रखा है। तो एंड्रॉयड 4.0 एंड हायर के लिए वर्जन 2.5.4 है, वर्जन 2.6.0 है, 2.7.0 है। तो अब इनमें जो भी आपको अच्छी लगती है वर्जन, आप उसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ गेम कैचे है। गेम कैचे का मतलब क्या होता है, आपकी OBB फाइल्स। एंड्रॉयड में जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके फोन जो भी आप इंस्टॉल एप्लीकेशंस होती हैं उनकी OBB फाइल क्रिएट होती है। ये आपकी OBB फाइल्स हैं, जिसमें यानी कि एक पूरे ग्राफिक्स वगैरह सारी जो गेम का मेन पार्ट है वो इस OBB फाइल में होता है। तो जो आप वर्जन ऊपर डाउनलोड करेंगे इसमें से, जैसे लाइक आपने 2.6.0 करा, यहाँ आपने APK फाइल 2.6.0 का आपने APK फाइल डाउनलोड करा है, वहीं नीचे जाकर आपको 2.6.0 का OBB यानी गेम कैचे आपको डाउनलोड करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे और जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी APK फाइल को इंस्टॉल करेंगे। APK फाइल को इंस्टॉल करने के बाद आप OBB फाइल जो आपने डाउनलोड करी है, यानी गेम कैचे की फाइल जो आपने डाउनलोड करी है, आप उस पर क्लिक करेंगे। और जब वो डाउनलोड हो जाएगी, क्लिक करने के बाद अपने फाइल मैनेजर में जाना है।
फाइल मैनेजर में जाने के बाद ये हमारा फाइल मैनेजर है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद जहां आपने डाउनलोड करी है वो फाइल, पहले तो आप वहां पर जाएंगे। उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। कहां पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद आप एंड्रॉइड का फोल्डर ढूंढेंगे। जैसे मैं यहाँ आपको ये देखिए, ये मेरा एंड्रॉइड फोल्डर है। यहाँ आप जाएंगे, उस फाइल को आपने कॉपी करना है जो आपने गेम कैचे यानी ओबीबी की फाइल आपने जो डाउनलोड करी है, आपको उसको कॉपी करना है। इंटरनल स्टोरेज में जाके एंड्रॉइड फोल्डर में जाना है आपको। एंड्रॉइड फोल्डर में जाके आपको ये ओबीबी फोल्डर नज़र आएगा। इस ओबीबी फोल्डर पे आप ओपन करेंगे और यहीं पर आपको वो फाइल जो है एक्सट्रैक्ट करनी है। यहीं पर उसका आपको फोल्डर जो अंदर बना हुआ है वो पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद जब आप अपनी एपीके फाइल को ओपन करेंगे वापस, तो आपकी गेम पूरी तरीके से चलेगी जैसे कि पेड एप्लीकेशन चलती है। तो ये था दोस्तों आपको कैसे अपनी फ्री ऐप्स को इंस्टॉल करना है जो प्ले स्टोर पे पेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है इंस्टॉल करने में या आपको फाइल कॉपी करने में, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching. Have a good day. Bye-bye.